अस्सलाम वालेकुम, नेहा जी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आप सब खुश रखें। आई मीन मेरे न्यू ब्लॉग में हो गया है नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए हम जा रहे हैं सिस्टर्स आइलिश इस पार्टी में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सफ़र। और यह है बड़ा बाज़ार, यहाँ पर वो जो अंगार में चल के अलम को लेके भागते हैं, तो उसकी तैयारी चल रही थी यहाँ पे। ये मट्टी पे अंगार ये आग जलाते हैं, मतलब यहाँ पे जो लकड़ी लगी रखी हुई है ना, वो उसे आग जलाकर दो तीन दिन तक आग जलती है। उसके ऊपर फिर बहुत पूरे कोयला होने के बाद ये लोग उसको लेके भागते हैं सुबह सुबह। है वो सुनील, लेकिन लोग भी बिठाते अलम। तो मैं इधर से जा रही थी तो आप लोग को भी बता रही। ये है जियान भाई और ये है, रास्ते में हम लोग चले। चलिए हम लोग रीच हो चुके हैं हम लोग घर पे, मैं सिस्टर्स के आईलैशेस पार्टी में गेट टुगेदर था आज। तो आते ही वेलकम पे चाय, वेलकम ड्रिंक पे चाय पी ली हम लोग। चाय 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 से ज़्यादा मोहब्बत। चाय पीने के तुरंत बाद मैगी खा। इसके बाद जिब्रान उन लोग आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर बातें चल रही थी लोग की हम लोग के साथ। इसके बाद खाने खाने का टाइम हो चुका है, यानी डिनर टाइम। तो सर्व करके दे रहे थे मेरे सिस्टर्स और मैं ब्लॉग ले रही थी। फिर चलो सब जन खाने के बाद हम लोग खाने लिए। उसके बाद ये लोग जाके थोड़ा सा लेट चुके हैं, और जैसा कैमरा लेती हूँ मैं हाथ में लुक ना शर्माते हैं ना। फिर उसके बाद स्वीट्स भी खिलाए हम लोग को। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और अज़ान की वीडियो में लास्ट में पोस्ट करी हूँ, आप लोग वो देखिए। पूरा एंड तक देखिए व्लॉग, तो आप लोग को समझ में आएगा। उपमा बनाए हैं मेरी बहन मुस्कान, बहुत टेस्टी था माशाल्लाह से। ये देखिए लोग कैसे कलाकारियां करें। जस्ट हम लोग खाए हैं उपमा, उसके बाद में फिर ये बनाए। फिर अभी इन लोग की फरमाइश थी कि नेहा दीदी आप तहारी बनाओ, आपके हाथ की तहारी खाना था। तो चलिए तहारी भी बना रही हूँ मैं यहाँ पर। आज जब से कुछ भी नहीं करी थी, जब सब उन लोग ही कर रहे थे, पर उन लोग की ख्वाहिश रहती है कि मैं तहारी बनाऊँ, तो उन लोग के हाथ में तहारी बना रही हूँ। अच्छे से सब भून चुका है गोश्त वगैरह, माशाल्लाह गोश्त भी बहुत अच्छा था। जल्द से जल्द भूनने गया है, उसके बाद हम लोग चावल डालेंगे। इसकी रेसिपी फुल मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी मैं खा रही हूँ तहारी, अल्हम्दुलिल्लाह बन के रेडी हो चुकी थी, तो सब जन खा चुके थे। फिर मैं आई हूँ यहाँ पर खाने के लिए। माशाल्लाह अच्छी बनी है, टेस्टी। ये देखिए ख़त्म भी हो चुका है माशाल्लाह से, लोग रेडी हो चुके हैं। और चाय बन रही थी, मेरे दीदी बना रहे थे चाय। इन लोग को देखिए, लोग का फ़ोटो शूट चल रहा है, और जियान भाई यहाँ बाय कर रहे हैं अभी। फिर ऑटो आने के बाद हम पी लूँ, इन्हों इतना खिलाते हैं ना, बस बस हो चुके थे हम लोग खा खा के। भूख ही नहीं लग रही थी मेरे को तो। ये देखिए चाय पी रहे हम लोग। तो अभी देखिए सब साफ, मतलब सब जन चले जा चुके हैं, और फिर पूरा पसारा ऐसे ही चाहिए, दीदी को साफ करना पड़ेगा।
ये देखिए, मैं घर पे आने के बाद मैं बघारा खाना और कौरमा बना चुकी हूँ माशाल्लाह से। कुछ भी शूट नहीं करी थी क्योंकि मैं थक गई थी, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी नींद नहीं आती है मेरे घर के अलावा। तो और फिर गेट टुगेदर रहा तो कहाँ सोते, मतलब ये वो बात है बता, तो बैठ गए थे। तो फिर देखिए लोग, इन्होंने ये बनाया मेज़ा, नेक्स्ट डे हो चुका है अभी। ये देखिए मेरे हुक्को बनाया हलवा पराठा इन दुबई, माशाल्लाह हलवा पराठे की तो बात ही कुछ और है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, यहाँ पर मैं बना रही हूँ पालक और खीमा, मतलब पालक की भाजी में खीमा डाल के, माशाल्लाह अच्छी बनी है। और इसको भूनने के लिए रखते हैं अच्छा पानी सूखने के बाद, अच्छी टेस्टी लगती। इसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं करी हूँ। आप लोग नेक्स्ट व्लॉग देखिए। अल्लाह हाफिज़। सिलाई मशीन पे एक